दुनिया के तजुर्बों में एक चीज़ तो सीखी कि अगर आप खुश नहीं हो ना, उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि आप सही संगत में नहीं। एक होती है फिजिकल बॉडी, एक होती है मेंटल बॉडी, राइट। अगर मेंटली हम सही नहीं तो फिजिकली हमसे काम करने का कुछ भी दिल नहीं करता। चाहे आप इसको किसी भी चीज़ में सोच के देख ली, ओके, अगर आप मेंटली ठीक नहीं हो ना, आपका स्कूल जाने का दिल करेगा, ना आपका ऑफिस जाने का दिल करेगा, ना ही किसी फैमिली फंक्शंस में जाने का दिल करेगा, नहीं करेगा। अगर आप मैरिड हो, आप उनके प्रस्पेक्टिव से सोचोगे, अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी पैसा क्यों ना कमाता हो, राइट। मतलब क्या है, हमको चाहिए कंपनी। अगर हम अपने घर पे रहते हैं, जॉइंट फैमिली में अगर वो है नहीं, जहाँ पे पीस मिले, पीस एट द एंड ऑफ द डे, जब हम रात को सोना चाहते हैं तब हम शांति से सोना चाहते हैं, राइट। जब वो शांति ही नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा। तो इन शॉर्ट यही है कि भाई जितना मर्जी पैसा कमा लो, उड़ा लो, जो उड़ा रहे हो ना वो टेम्पररी है। तुम्हारे अकाउंट में मान के चलो इस समय 30 लाख रुपये पड़ा, जाके ले लो 1 लाख का फ़ोन, जाके ले लो 2 लाख की बाइक, ले लो जाके 10 लाख की गाड़ी, अभी भी पैसे बचा, उड़ा लो, ट्रिप मारो, हर 2 हफ्ते बाद ट्रिप मारो, उड़ा दो 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये। बट तुम एक गम को घुलाने के लिए अगला ट्रिप मार रहे हो, मतलब तुमको हर बार ट्रिप की इतनी ज़रूरत हो रही है कि तुम नहीं तो वो जो गम है वो बैक टू बैक तुम्हारे पास आ रहा है। यू आर नॉट हैप्पी, यू आर स्पेंडिंग मनी टू बाय हैप्पीनेस, बट तुमको वो परमानेंट नहीं मिल रही है, दैट इज ऑल टेम्पररी। तो परमानेंट कैसे लें दोस्त, परमानेंट मिलेगी जब तुम्हारी संगत जिस कंपनी में, कंपनी मतलब कॉरपोरेट कंपनी नहीं, फ्रेंड सर्कल, जो भी तुम्हारा सर्कल है, फैमिली सर्कल, फ्रेंड सर्कल, जो भी सर्कल, जिन लोगों के साथ उठनी बैठनी है, लोगों के साथ, आफ्टर ऑल अभी भी हम रोबोट्स वाले जमाने में नहीं आए हैं, वी आर स्टिल लिविंग विद ह्यूमन बींग्स, राइट। अगर जब तक वो हम ह्यूमन बींग्स, अच्छे ह्यूमन बींग्स के साथ, जिनके साथ हमारी वाइब मैच करती है स्पेशली, अगर हम उन लोगों के साथ नहीं बैठ रहे, देन वी आर नॉट हैप्पी, तो हम परमानेंट हैप्पी हो ही नहीं सकते। अगर ये आपको बात अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सी बात अच्छी लगी। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आपकी मर्जी।